सत्संग नया या कोई भी सत्संग पुराना नहीं होता, सत्संग तो सत्संग होता है। मेरे अंकल को एवरी टाइम वी वुड गो देयर, और अंकल को वो खड़ा कर देते थे कि नोएडा वाला बुलाते थे, क्योंकि हम लोग नोएडा रहते थे, कि अपना सत्संग सुना। मेरे अंकल छुप भी जाते थे कई बार, कि गुरु जी रोज वही रिपीट करने के लिए कहते हैं, बट नहीं, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज गुरु जी कृपा जो गुरु जी ने हम पे करी। सो वही हमको गुरु जी का गुणगान करना है कि गुरु जी ने हमारे साथ क्या क्या कृपाएं करी। हर किसी को किसी ना किसी ने गुरु जी के दर तक पहुंचाया होगा। गुरु जी कहते थे कि एक बारी गुरु नवी संगत नु जोड़ो, नवी संगत आ गई, हमने किसी को जोड़ दिया, उसके बाद हमारी ड्यूटी ओवर है। इट डिपेंड्स ऑन दैट नवी संगत, वो कितना गुरु जी के साथ जुड़ती है या गुरु जी से कितना कृपा ले लेती है और कितना हकदार होती है। सो नो मीडिएटर, कोई गुरु जी के अंदर से इतने कोई विचोला नहीं। यू हैव टू मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ जुड़ने के लिए। हमें सीधी गुरु जी के साथ डायरेक्ट अरदास करनी है कि गुरु जी जो भी प्रॉब्लम है, मांगना तो नहीं है, पर गुरु जी कहते सी मैं बीमारियां ठीक करने ते आया हुआ, एदे वास्ते ते आया हुआ, इन्हू मांगना नहीं कहते। सो बाकी गुरु जी पे छोड़ दो। गुरु जी से ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि गुरु जी हमें ठीक करो, क्योंकि गुरु जी के आगे आगे माथा टेक दिया तो गुरु जी नोज एवरीथिंग। सो हम गुरु जी के दरबार तक कैसे पहुंचे, मैं वो बताती हूँ आज। इट वॉज 98, आई थिंक 98 का था या 99 की बात है। मेरे अंकल को 97 में हार्ट अटैक आया था, एंड उसके बाद हमने वी वर पोस्टेड इन बरेली इन इंडिया, एंड वहां से हमने ट्रांसफर मांगी दिल्ली, तो मेरे अंकल को नोएडा ट्रांसफर करा गया ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या था, गुरु जी ने हमें बुलाना था अपने साथ जोड़ने के लिए, इसीलिए गुरु जी ने हमें बुलाया। और उन दिनों गुरु जी घर में भी, जैसे सबके घरों में आजकल सत्संग होते हैं, तो कई बार गुरु जी ब्लेस करने के लिए घर भी आया करते थे। तो मेरी आंटी हैं, शी इज माई कजन सिस्टर, शी वॉज पोस्टेड इन दिल्ली दैट टाइम, शी इज वर्किंग विद इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, शी वॉज वर्किंग देम, एंड गुरु जी ने कहा मैं तेरे घर आना, तेरे घर नु ब्लेस करना, ते अंकल दी थोड़ी ब्लेसिंग बाकी है, उन्होंने ब्लेस करना। तो गुरु जी आए तो आंटी ने सबको, संगत को बुलाया कि हम लोग को भी, कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं। शी न्यू कि मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया, अंकल बीमार है, तो उन्होंने बोला कि अंकल को हार्ट अटैक आया है, तो आप अपने अंकल को लेके आइए, गुरु जी हमारे गुरु जी से ब्लेसिंग्स ले रहे। तो हम लोग गए उनके यहाँ, जैसे ही विनो के गुरु जी तो अंतर्यामी है, तो जैसे ही गुरु जी को माथा टेका, तो बताने की तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा कि लोटा और एक ओम लेके, छोटे मंदिर जिसको आज हम कहते हैं, एम्पायर स्टेट में गुरु जी बैठा करते थे दिल्ली में, तो गुरु जी ने कहा उठे आ जाना। मेरे नेक्स्ट डे हमने लोटा और एक ओम गोल्ड का अरेंज किया, तांबे का लोटा लेता, उसके बाद वो लेके हम मेरे अंकल गए थे पहले तो गुरु जी के मंदिर, तो वहां के माहौल के बारे में पता नहीं था, बट इट वॉज ही एज ही एक्सप्लेन, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छी जगह थी, बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत अच्छा लगा वहां जाके। वहां का माहौल कुछ नया था, नहीं पता था। ही थॉट कि मैं एक दो बारी उठ के गुरु जी को वो लोटा दे दूं, ब्लेस करा के जाऊं, बट ऐसे नहीं था वहां। पहले चाय प्रसाद आए, चाय प्रसाद लिए अंकल ने, फिर प्रसाद देते थे गुरु जी, उसके बाद फिर लंगर सर्व होता था, फिर पहले तो सबसे पहले गुरबानी का प्रसाद मिलता था, क्योंकि गुरु जी कहते थे गुरबानी में सारे हमको सवालों के जवाब मिलते हैं, और उन्होंने कभी भी उसको समझने के लिए नहीं कहा था। कई लोगों ने कहा हमें समझ नहीं आती गुरबानी, उन्होंने कहा समझने की लोड़ नहीं, वाइब्रेशंस उदी आने चाहिए करना है। तो एनीवे मेरे अंकल गए, उसके बाद लंगर प्रसाद लगा, जब आज्ञा लेने से पहले गुरु जी ने बुलाया अंकल को और उनको कहा कि आप लोटा ब्लेस करके दिया, कहा इस लोटे में जल डाल के रखना है, और फिर उसके बाद शाम रात को भरना है, और सुबह उठ के जितना पी सकते हो पी लीजिए, और उसके बाद उसको क्या कहते हैं, बाकी का नहाने की बाल्टी में डाल देना, और ओम गले में पहनना। तो मेरे अंकल ने चेन में, गोल्ड की चेन में, उसको ओम को गले में पहन लिया।
नेक्स्ट वीक अपने आप विचार उत्पन्न हुआ, आई थिंक माई अंकल नेवर थॉट आई विल गो अगेन, बट वो गुरुजी है ना, बुलावा तो उनका होता है, तो गुरुजी ने कहा कि इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें एम्पायर स्टेट लेके जाता हूँ, मैं भी और मेरे बच्चे भी। माई किड्स वर इतने छोटे नहीं थे, छोटे बच्चे वैसे अलाउड नहीं थे, पर मेरे बच्चे कुछ बड़े थे, 10-11 साल का था, एक 12-13 साल का था, ऐसे तो 13-14 साल का था बड़ा वाला, छोटा 10 का था। तो आई हैव टू सन्स एंड हम लोग जाते थे, बच्चों को भी बहुत आनंद आता था, बहुत अच्छा लगता था। गुरुजी बहुत खिलाते थे हम लोगों को, गुरुजी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते थे संगत जी कि हम बता नहीं सकते, कितना प्यार करते थे कि मींस, और खुद बैठे रहते थे वहां, हम लोगों को भर भर के खिलाते थे और खुद हम लोगों को सबको खिला के उसके बाद, जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा गुरु जी को वहां बैठ के खाते हुए। और जो प्रसाद वो लेते भी थे, वो भी जो नीडी होता था, जिसको बहुत प्रॉब्लम है, उनको दे देते थे थोड़ा सा उसको भोग लगा के, एंड ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। मैं कुछ इंस्टेंसेस सुनाती हूँ वहां के प्रसाद, जिसे हम सबको पता है लंगर प्रसाद में बहुत 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 ज्यादा ब्लेसिंग्स होती हैं। हम कहीं भी जाएं, चाहे मंदिर जाएं, चाहे गुरु जी का सत्संग हो, चाहे घर में उनको भोग लगा हुआ, उसका एक एक कण बहुत कीमती है, दवाई प्रसाद है मैं कहूंगी, उसी से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो हम लोग वो खाते खाया करते थे, तो गुरु जी कभी कभी उठ के किसी किसी को एक्स्ट्रा प्रसाद भी देते भी थे, और रोटियां भी, रोटी प्रसाद भी डाल देते थे प्लेट में, 4 लोग एक प्लेट में खाया करते थे। यू नेवर नो कि आपके ऑपोजिट आपका ड्राइवर बैठ के खा रहा है। तो गुरुजी के दरबार में कोई छोटा कोई बड़ा कोई नहीं था, सब एक एक बराबर है। तो एक आंटी को गुरुजी ने पहले, उन्होंने चाय प्रसाद लिया, फिर हलवा प्रसाद लिया, फिर गुरुजी जब जो मिठाई आती थी कुछ लोग लेकर आते थे, वो गुरुजी एक परात में डालते थे, और फिर ऐसे मसल मसल के कई बार मिक्स करके भी, अकॉर्डिंग टू द नीड, जिसको ज्यादा नीड है उसको ज्यादा, जिसको कम नीड है कम। अगर आप जलेबी खाना चाहते हैं तो आपको लड्डू मिलेगा, या देख रहे हो नहीं जी हमें तो बर्फी नहीं खानी है तो आपको गुरु जी जरूर बर्फी ही देंगे। सो वो गुरु जी को पता होता था कि ये क्या सोच रहे हैं, हम गुरु जी के सामने कुछ छुपा नहीं होता था। आंटी को उन्होंने, आंटी लंगर प्रसाद ले रही थी, 3 रोटी प्रसाद दे दी ऐसे कर। अब आंटी से 3 रोटियां नहीं खाई गई, एक खाई, दूसरा खाया, तीसरी जब खाने लगी तो इट वॉज ओवर फॉर हर, शी कुडंट ईट दैट। आंटी ने उस रोटी को रोल किया, अपने पर्स में डाला और घर चली गई। नेक्स्ट टाइम जब आंटी आई तो गुरुजी कहते हैं, फिर आंटी तेरे गोड्डे किदा? तो वो बोली क्या गुरुजी, सारे तो ठीक हो गए ने, एक गोड्डे का एक कोना अराउंड 10% रह गया दर्द, हल्ले पूरा ठीक नहीं होया। तो गुरुजी ऐसे ऐसे बैठे हुए और हंसी जाए, कहे रोटी फोल्ड करके पर्स छुपा के ले जाएंगी तो ठीक कितने होएंगी। गुरुजी को पता था कि इन आंटी ने जो मैंने उसको ट्रीट, वो गुरुजी का ट्रीटमेंट था, गुरुजी ने उसको ठीक करने के लिए रोटियां दी थी 3 खाने के लिए, उसने 2 खा ली, एक वो पर्स में डाल के ले गई, उनसे नहीं खाई गई। तो वो गुरुजी ने कहा जितनी तूने रोटी नहीं खाई उतना तुम्हारा पेन रह गया, एंड आंटी देखने लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी कहते थे इतने खाओगे तो दवाई प्रसाद है, कार लेके जाओगे तो मिठाई। एक दिन गुरुजी ने मेरे अंकल को बहुत मिठाई खिलाई, पहले तो बड़ी बड़ी 4 जलेबियां पनीर वाली खिलाई, फिर उसके बाद गुरुजी ने उनको 2 बड़े बड़े समोसे दिए, उसके बाद इतना सारा हलवा प्रसाद, हलवा प्रसाद के बाद फिर ऑफ कोर्स लंगर तो आता ही था। और संगत जी गुरु जी की एक अपनी मौज होती थी, वहां खाया भी जाता था, आज कहीं ये तो खाना मुश्किल हो जाता है, कई बार लोग ज्यादा प्रसाद डाल देते हैं तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्योंकि वो फिनिश करना होता है, तो वो भी खा लिया। अब हम सोचते थे कि पता नहीं अंकल क्रॉनिक पेशेंट है शुगर के, अब शुगर का कल सुबह क्या रिजल्ट आएगा, पर खाते गए, बाहर जाते थे खाते थे, हाथ धो के आ जाते थे, उसके बाद लंगर प्रसाद भी खाया, और फिर हम अक्सर आज्ञा लेके जाते थे गुरुजी से। जैसे ही गुरुजी से आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने क्या कि कल सवेरे शुगर चेक कर ली तो मैंने दसी। हमने अगले दिन सुबह
अंकल ने अपनी शुगर टेस्ट की, तो इतना मिठाई खाने के बाद, समोसे खाने के बाद, उनकी शुगर नॉर्मल थी। तो गुरुजी का ये वे ऑफ ट्रीटमेंट था, ही क्योर्ड विद शुगर विद स्वीट्स। लोगों के को मिर्ची आती है तो लोग उसको हटा देते हैं, वो गुरुजी का कोई आपको क्योर करने का होता है, तो वो अल्सर्स ठीक करते थे उससे। सो गुरुजी ने ऐसे ही मेरे अंकल को काफी देर तक ठीक रखा। मेरे अंकल को 97 में हार्ट अटैक आया था, 2006 तक वो बिल्कुल ठीक ठाक चलते रहे। उसके बाद ऐसे ही एक दो और इंस्टेंसेस बताती हूँ। अब सब लोग उनसे लोटा ब्लेस कराते हैं गुरुजी से। गुरुजी लोटे तब ब्लेस करते थे जब किसी को जीवन मरण का या बहुत बड़ी बीमारी होती थी। गुरुजी कहते थे, लोटा ले तेनु ब्लेस करके दवांगा। ऐसे अपने आप नहीं लोटे लेके जाते थे लोग और ब्लेस करते थे, गुरुजी के कहने पे ही। गुरुजी को पता होता था कि इसको जरूरत है, उसी से उसी को लोटा ब्लेस करके देते थे, हर किसी को नहीं देते। तो ऐसे ही मेरे को अक्सर चेंज ऑफ वेदर में गला खराब हो जाता था, एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एंड आई वुड नॉट स्लीप, पूरी रात 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 नहीं मैं सो पाती खांस खांस से। तो मेरे अंकल ने मेरे को बोला कि जब सब लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं गुरुजी को, तो जा तू भी बता गुरुजी को। दो चार बार तो मैंने अवॉइड किया, फिर अंकल ने बहुत ज्यादा कहा तो मैं उठ के चली गई। मैं जैसे ही गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मेरे को इतनी जोर से डांटा, गुरुजी कुड नो के मैम। मैंने कहा गुरुजी मेरा गला ऐसे बोलने ही लगी, तो गुरुजी कहने ने पाज जा इथों, मैं कोई डॉक्टर की दुकान खोली हुई है, आ जाने ने गला खराब। ऐसे डांटा उन्होंने, और मैं अपना बाहर जाके मेरे आंखों में आंसू आ गया, संगत थी, और गुरुजी ने बहुत जोर से बोला, मैं रोती रोती बाहर चली गई। तो उसके बाद फिर संगत जी, गुरुजी की संगत बाहर आई, एक दो जने अंकल सेवादार, उन्होंने कहा आंटी आप रो नहीं, गुरुजी की डांट में भी बहुत ब्लेसिंग है, गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, गुरुजी हर किसी को डांटते भी नहीं है, गुरुजी आपको प्यार करते हैं, इसीलिए आपको इतना ब्लेस किया और डांट लगाई है, तो शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा गला कई साल तक ठीक रहा। एंड बाकी जिसकी जिंदगी है, अगर वो हमारे लिए है अच्छा है, गुरुजी वो देते हैं जो हमें हमारे लिए सही है, गुरुजी वो नहीं देते हैं जो हमें चाहिए। सो गुरुजी नोज हमारे लिए व्हाट इज गुड फॉर अस और व्हाट इज बैड फॉर अस। सो अगर हमारे लिए कुछ अच्छा है, गुरुजी जरूर देंगे हमको। ऐसे क्योंकि मैं वो भी बताती हूँ, एक मेरे मेरे अंकल की बुआ जी के हस्बैंड थे, उनको कैंसर हो गया, हम उनको लेके गुरुजी के दरबार वहां गए, शाम को संगत लगाते थे, इट वाज थर्सडे, और थर्सडे को गुरुजी मिला करते थे। हमने कहा चलो हम आपको अपने गुरुजी के पास लेके जाते हैं, गुरुजी तो बहुत बहुत लोगों को ठीक करते हैं। तो संगत जी जैसे ही हम लेके गए गुरुजी को, अंकल को, तो गुरुजी वाज नॉट अवेलेबल दैट डे। उन्होंने बाहर से बंद था दरवाजा और बोले गुरुजी आज नहीं है, गुरुजी इत्थे नहीं है। हम लोग बहुत मायूस हुए, नोएडा से गए थे एम्पायर स्टेट, वापिस गए वापिस घर। फिर हमने अंकल को बोला एक अपनी फोटो दे दो, हम गुरुजी से बात करेंगे। अंकल चले गए अपने घर, हम नेक्स्ट डे गुरुजी के पास उनकी फोटो लेके गए अंकल की। तो हमने ऐसे करके फोटो दी गुरुजी को कि गुरुजी देखिए ये हमारे अंकल हैं, हम कल लेकर आए थे, इनको कैंसर हो गया। तो संगत जी उन्होंने ऐसे फोटो थी ना ऐसे उल्टी कर दी अंकल की फोटो, और बोले कि अपनी अपना स्वरूप निकाल के अपने साइड से, और बोले ऐ ले जाओ उन्होंने दे देना, और कहना अपने कोल रख लेना, ब्लेसिंग दे दी गुरुजी ने। उसके बाद अंकल को काफी मतलब उनकी कंडीशन काफी बुरी थी, काफी सीरियस हो चुके थे वो, तो लेकिन गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग देने से उनकी बहुत स्मूथली वो कंडीशन पार हो गई, तो उनका एंड समय आ गया। तो उनके श्वास नहीं निकल रहे थे, तो किसी ने बोला कि इनके पास कुछ है तो नहीं, तो जब उनकी जेबें टटोली गई तो गुरुजी की का स्वरूप था उनकी जेब में, और उनके श्वास नहीं निकल रहे थे। फिर जैसे ही उनका स्वरूप निकाला तो वो गुरुजी के पास, गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया।
कहने का मतलब यह है, अगर गुरुजी हमारे पास हैं तो कोई हमें यमराज भी नहीं ले सकता, वो भी उनके श्वास भी नहीं निकल रहे थे। और ऐसे ही हाँ, ऐसे ही हम लोग ना हर रोज आज्ञा लेके जाया करते थे। तो गुरु जी से कभी तो गुरु जी कहते थे आज्ञा है, नहीं कभी तो कहते थे चलो चलो करानू जाओ करानू जाओ। कभी मजाक भी करते थे, ड्रामा खत्म, पिक्चर ओवर, चलो कार अपने अपने, चलो उठो उठो उठो। तो हम लोग सब लोग लाइन में लग के आज्ञा लेते थे गुरु जी से और घर आ जाते थे। और कभी कहते थे नहीं अभी नहीं जाना है अपने घर। वो इसलिए कहते थे क्योंकि वो घड़ी ठीक नहीं होती थी। वेन यू वुड गो, वापसी में हम जाते थे घर, तो हम देखते थे कोई ना कोई अड़चन होती थी रास्ते में, या तो कोई एक्सीडेंट है या कोई ट्रैफिक जैम है, हमें घंटों वहां खड़े होना पड़ता। तो गुरु जी को पता था कि बार ऐसे हो रहा है तो यही बिठाता हूँ, यही ब्लेस करता हूँ। तो गुरु जी फिर कहते थे हाँ हूं जाओ, हूं आ गया है। ऐसे ही बहुत बहुत घटनाएं तो बहुत कुछ है, कहीं भूल जाते हैं वो गुरु जी खुद बुलवाते हैं जो उन्होंने बुलवाना होता है। हम जब सत्संग करते हैं तो हमें खुद कई चीजें सोचती हैं, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, पर हमारी डोर उनके हाथ में है, वो ही बुलवाते हैं। तो आज का मैं बताती हूँ, आज हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, एक बार गुरु जी ने हमें बोला कि स्वरूप था गुरु जी का, तो मेरे अंकल को उठाया और बोले जाओ अमृत अमृत ले लो। तो अंकल उठे, अंकल ने एक फोटो के ऊपर पसीना सा आ गया था, बिल्कुल गीली हो गई थी। तो अंकल ने ऐसे एम्पायर स्टेट में आसपास दोनों वॉल्स हैं उसमें सारे गुरु जी के स्वरूप लगे थे, एक मंदिर का भी स्वरूप था, बड़े मंदिर का भी उन्होंने वो लगाया हुआ था, लेकिन एक फोटो लगी हुई थी कि ऐसा मंदिर होगा। तो उन्होंने गुरु जी की फोटो के ऊपर अमृत आया और हम गुरु जी मेरे अंकल को उठाया उन्होंने, पता नहीं उनको कुछ ब्लेस करना होगा कि जा अमृत ले ले। तो हमने उन्होंने इस फोटो को ऐसे हाथ लगाया, इतनी खुशबू थी उसमें, इतनी खुशबू थी, इट वॉज जस्ट लाइक जैसे कोई पानी सा भाप सी होती है उसके ऊपर, ऐसे था। उसके बाद फिर जब अंकल ने ले लिया तो मेरे को इशारा करा जा तू भी ले ले, मैंने भी जाके किया, बट हमको तब समझ नहीं थी ये क्या है, अमृत आ रहा है, पर गुरुजी ने कहा अमृत आ रहा है ले। जब हम दोनों ने ले लिया उसके बाद फिर उन्होंने संगत को कहा कि तुसी भी ले लो, ऐसे उठाया सबको और सबने जाके लिया। आई डोंट नो गुरुजी ने उस दिन हमें क्या ब्लेसिंग्स दी, तो शुक्राना गुरुजी का। सत्संग तो रोज होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर संगत जी हम एक दिन आज्ञा ले रहे थे तो गुरुजी ने कहा आज नहीं जाना हल्लेकार। बड़ा मंदिर बन चुका था ऑलमोस्ट, मैं आज तो बड़ा मंदिर दिखाने चलता हुआ। तो इट वॉज ऑलरेडी 12 बज रहे थे, 12 बजने वाला था। तो गुरु जी ने हमें कहा कि सब लोग चलो जी मंदिर चलेंगे। तो गुरु जी की बात को ना तो कर ही नहीं सकते कि लेट हो रहे हैं या नहीं, हमारे वहां से तो उठने का ही दिल नहीं करता था कि गुरु जी लगता था यहीं बैठे रहे, इतना अच्छा लगता था वहां जाकर। तो हम लोग बड़े मंदिर, गुरु जी की गाड़ी आ गया के हमारे पीछे पीछे, हम लोग सब बड़े मंदिर पहुंचे। बड़े मंदिर पहुंच के गुरु जी ने रेंडमली 1 2 3 4 5 आंटियों को रेंडमली पिक किया, तू भी आ जा ऐसे करके, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। गुरु जी ने हम सबको बड़ा मंदिर दिखाया, पत्तियों को हाथ लगाया, मुझे पता नहीं ये बात बिल्कुल नहीं भूलती है कि गुरु जी ने उन पत्तियों को ऐसे छू के दिखाया हमें और हमें कहा कि ये एक एक पत्ती बोलूंगी अत्ते। सो आई बिलीव के बहुत सुंदर होगा, इतनी ग्रीनरी होगी, एंड एज वी सी इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स हेवन ऑन अर्थ, जब हम जाते हैं इतना सुंदर मंदिर है। आगे गए, सीढ़ियां आती हैं, हॉल आता है, एंड द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ शिवलिंग, और शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग वाले हॉल के अंदर गए हम लोग। तो गुरु जी ने क्या इतने में 12 ज्योतिर्लिंगा ना सार पाया, और इतना पावरफुल टेम्पल है ये कि यहाँ आने के बाद आपको और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, और इधर अगो में कोई लंग जाएगा उन ब्लेसिंग्स। तो संगत जी हम देख ही रहे हैं इस पेंडेमिक में सारे लोग सारी संगत सामने से ही गुरु जी के
मंदिर के बाहर से ही होके दर्शन करके जा रही है और गुरु जी उनको ब्लेस कर रहे हैं। शायद गुरु जी को मालूम था, गुरु जी को तो सब पता था। वो तो कहते से इन माड़ा टाइम आन वाला है, कितने कितने दिए टिम्में दिए चलेंगे। तो वही हुआ, गुरु जी को तो पता था ऐसे होने वाला है, बहुत बहुत माड़ा वक्त आन वाला है। उसके बाद फिर गुरु जी ने वो हॉल के बारे में बताया। उसके बाद हॉल के साथ एक लेफ्ट साइड में रूम है जहाँ गुरु जी के चोले डिस्प्लेड है एंड बेड्स हैं। वहां गुरु जी ने कहा कि इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा, एक पासे आंटिया नूं पाऊंगा तो एक पासे अंकला नूं पाऊंगा। आई डोंट नो क्यों उन्होंने हम चार पांच लेडीज को जाके वहां ये बोला कि इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा। उसके बाद बैकयार्ड आया, वो दिखाया, और उसके बाद गुरुजी ने हम लोग को आज्ञा दी कि चलो आज्ञा, हम लोग बात खत्म हो गई, हम लोग अपने अपने घर आ। ऐसे ही फिर बस गुरुजी ने बोला थे कैंसर का इलाज करूंगा और ये बड़ा पावरफुल मंदिर है। नोबडी टुक दिस सीरियसली, क्योंकि हम तो जाते थे, हमें बड़ा अच्छा लगता था और हमको तो पता नहीं था कि रब हमारे सामने बैठा है। तो उसके बाद लेकिन अब लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली थे जिन्होंने गुरुजी ने तब हमको बुलाया। शायद हमको ज्यादा जरूरत थी उस टाइम पे, तब बुलाया गुरुजी ने। उसके बाद फिर 2003 में एक ऐसा विचार उत्पन्न किया, गुरुजी ही जोड़ते हैं हमें अपने साथ, उन्हीं की ही लीला है, उन्हीं की वो है, वो कैसे हम लोगों को डिटैच भी कर देते हैं। उन्होंने कई संगत को डिटैच किया कुछ सालों के लिए अपने से। उन्होंने हमें ऐसा विचार उत्पन्न किया कि अब हम एम्पायर स्टेट नहीं जाएंगे। उन दिनों संगत तो एम्पायर स्टेट लगती थी, पर बड़े फंक्शंस एम्पायर बड़े मंदिर में होने शुरू हो गए थे। जैसे गुरु जी का बर्थडे है, विसाखी भी अटेंड करी हमने, एक साल तो किया वहां अटेंड फंक्शंस। तो 2003 के करीब हमें विचार उत्पन्न हुआ कि अब हम मंदिर नहीं जाएंगे। घर में गुरु जी के स्वरूप थे, हम उनकी पूजा करते थे, जोत जलाते जलती थी हमारे यहाँ, अंकल लोटे का जल पीते थे, ओम पहना हुआ था। गुरु जी ने अंकल को एक कड़ा भी पहनवाया था चांदी का। एंड उसके बाद फिर ये सब कुछ कंटिन्यूड, लेकिन 2004 में, 3 में हमने डिसकंटिन्यू किया, 2004 में हमारी अंकल की ट्रांसफर हो गई एंड वी वेंट टू केरला, कोचीन चले गए हम लोग। लेकिन गुरु जी को मानते मानते क्या, मीन्स गुरु जी की बातें तो सारी फॉलो करते थे, लेकिन बुलावा नहीं था ना गुरु जी के मंदिर जाने का। दिल्ली भी आते थे तब भी नहीं जाते थे। फिर 2007 में पता चला हमें कि गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। किसी ने बताया हमें कि वो गुरु जी के पास जाते थे ना, उन्होंने समाधि ले ली है। फिर भी बुलावा नहीं था। आई कैन ओनली से सॉरी गुरु जी, सॉरी, बुलावा नहीं था, विचार ही नहीं आया मन में कि चलो एक बार होके आते। और उसके बाद 2009 में भी अगेन कम बैक, दिल्ली हमारी दोबारा ट्रांसफर होती है। नाउ वी शिफ्टेड टू गुड़गांव एज वी हैड अ हाउस हियर। हमने सोचा हम अपने घर शिफ्ट करते हैं, हम अब कंपनी अकोमोडेशन में नहीं रहेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हुए 2009 में, 2010 में एक आंटी आती है मेरे घर। शीज बहुत लंबा है रिश्ता, मेरी एक कजन सिस्टर की सिस्टर इन लॉ है। कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं है। शी कॉल्स मी अप एंड सेज वेयर डू स्टे, आई टोल्ड हर कि मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ, मेरा ये एड्रेस है। तो शी सेज आई एम कमिंग टू योर हाउस। मैंने कहा आ जा। आके संगत जी, उसने मेरे को गुरु जी की इंट्रोडक्शन दी कि वो ना एक गुरु जी है आंटी, वो भाटी माइंस के पास उनका मंदिर है। एंड मैं हंस पड़ी, मंदिर भी देखा था, गुरु जी के दरबार भी गए हुए थे, एवरीथिंग आई न्यू। सो मैंने उनको वो फोटो, एक स्वरूप, हम तो फोटो ही बोलते थे पहले, कि गुरु जी की फोटो मिल गई। तो गुरु जी का स्वरूप मंदिर में था, मैंने वो उठाया, गुरु जी के हाथ का दिया हुआ। गुरु जी ने कई स्वरूप दिए थे हमें, तो मेरे बच्चों को भी दिए थे पॉकेट स्वरूप, उन्होंने काले धागे में पहन रखे थे, एंड हमको भी दिए थे मंदिर में भी फोटो, और एक
पोस्टर्स टाइप भी थे, फूलों की माला डली हुई, मेरे को तो कहीं दिए थे, शायद बांटने के लिए दिए होंगे कि बांट देना। एंड वो मैं उठा के लाई और मैंने वो आंटी को दिखाया। जैसे ही आंटी को वो दिखाया, आंटी बोलती है हाउ डू यू नो हिम, सो आई टोल्ड हिम कि हम ऐसे गुरु जी के दरबार में जाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। सो पूरा दिन लग गया हम दोनों, मैं उनको गुरुजी के बारे में बताती गई और वो सुनती गई, और हमें सुबह से दोपहर 3-4 बज गए शाम के। एंड फिर हम लोग हंसे भी कि देखो गुरुजी की इतनी बातें हो गई कि हमें ध्यान ही नहीं कि हमें कुछ खाना भी खाना है या कुछ करना है। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि एक रिक्वेस्ट है, इफ यू डोंट माइंड। उन्होंने बोला हाँ, मेरे को गुरु जी के मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था, दूर था और बच्चों के स्कूल थोड़ा लगता था कि लेट तक बैठना पड़ता है, इसलिए हमने जाना डिसकंटिन्यू कर दिया। खैर वो तो गुरुजी चाहते थे कि हम थोड़ा डिसकंटिन्यू करें। तो विल यू टेक मी अलोंग, देखिए गुरुजी ने उस आंटी को भेजा और मेरे को बुलावा भेजा कि आजा आंटी, हूं तेनू मेरी लोड़ है। सो मैं वापिस गई, वो आंटी मुझे नेक्स्ट डे ले गई, और उसके बाद मैंने अपने अंकल से पूछा कि अंकल आप चलोगे गुरुजी के मंदिर। अंकल ने एक बारी भी नहीं नहीं कहा, मुझे बोला हाँ हाँ चलेंगे। सो बोथ ऑफ अस आर सेकेंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी बड़ा मंदिर। लेकिन शुरू में थोड़ा अजीब लगता था, गुरुजी हमेशा उस गद्दी में बैठे होते थे, अभी भी बैठे हैं लेकिन गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखे, थोड़े दिन अजीब लगा। फिर उसके बाद ऐसे ही हम जाते रहे, इस बार हम हफ्ते में 2 बारी जाते थे, हमें लगता था हम रोज चले जाएं वहां, इतना अच्छा लगता था जाके। तो ऐसे ही 2010 में हमने जाना शुरू किया, 2011 2012 सितंबर की बात है, सितंबर एंड था एंड वी हैड गॉन टू सिडनी, मेरे बच्चे दोनों वहीं रहते हैं। तो मेरे को एक लोअर एब्डोमेन में पेन उठी एंड इट वॉज अ टाइप ऑफ जैसे कोई करंट मारता ना पेट में, ऐसे करंट लगा। मैंने अंकल को बताया तो अंकल ने बोला एक हफ्ता रह गया, अभी हम इंडिया तो जा ही रहे हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ओनली वंस आई गॉट अ किसी ने करंट मारा, झटका लगा बस। उसके बाद हम एक हफ्ते के बाद इंडिया आए, मैंने आके यहाँ पास एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने गई, एस हॉस्पिटल्स वाले करते हैं आजकल, ये भी टेस्ट करा लो, वो भी करा लो, वो भी करा लो, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टेस्ट। आई सेड ओके कर दो। तो टेस्ट के बाद वो डॉक्टर बोली कि आप ना अपने हस्बैंड का नंबर दे दीजिए, आप बहुत बीमार हैं। आई सेड नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो खुद गाड़ी चला के आई हूँ अभी, बीमार तो मेरे अंकल हैं क्योंकि वो बीमार रहते थे। उसने कहा नहीं आप फोन नंबर दो, मैं बात करूंगी। उन्होंने फिर मेरे अंकल को फोन किया और बोला कि आपकी वाइफ बहुत बीमार है, और आई नो इट्स घर के पास छोटा सा हॉस्पिटल था, आप जहां भी दिखाना चाहें उनका एक चेकअप जरूर कराइएगा। और सो मेरे अंकल का गुड़गांव आर्टिमिस में इलाज हो रहा था, तो वी वर फेमिलियर विद दैट हॉस्पिटल, सो वी वेंट देयर। वहां जब चेकअप हुआ, एमआरआई में बिठाया मेरे को, लेडी डॉक्टर के पास गई, गाइनोकोलॉजिस्ट के पास, उसने चेकअप किया और उसने फिर मेरा हाथ पकड़ के सारे पेशेंट्स को छोड़ के एमआरआई कराने ले गई। जब एमआरआई कराने लेके गई तो वो जो एक बॉय था वो मेरे कपड़े लेकर आया था चेंज कराने के लिए, बोलता मैम आपने कभी अपने टेस्ट नहीं कराए? इनका क्यों, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई सिम्टम्स थे ही नहीं। तो गुरुजी ने इतना स्मूथ कर दिया था उसको कि कोई पेन आने ही नहीं दी मेरे को। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट डे पेट स्कैन हुआ, तो टू कट शॉर्ट मेरे को फोर्थ स्टेज ओवेरियन कैंसर हुआ डिटेक्ट, जो मेरे पूरी बॉडी में लंग्स एंड लिवर्स लिवर वर आल्सो इफेक्टेड। डॉक्टर्स ने 6 महीने की मोहलत दी, वी हैड टेकन सेकेंड एंड थर्ड ओपिनियंस आल्सो, तो सबने यही कहा कि आपकी लाइफ 6 मंथ्स है, इससे ज्यादा तो हमें नहीं दिखती है क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है। एंड थोड़ा सा तो शॉक हुई कि कैंसर कैंसर एक नाम ही बुरा है, बट जब गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ सब ठीक हो जाते हैं, गुरुजी सब कर देते हैं, बस सिर्फ चाहिए उनके ऊपर भरोसा करना, उनके ऊपर सरेंडर करना।
एंड विश्वास करना कि गुरु जी जो करोगे तुसी करोगे, अच्छा करोगे ता साडे वास्ते चंगा, बुरा करोगे ता तुहानू पता है जे साडे वास्ते चंगा, अगर वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो वो गुरु जी जाने, हमें नहीं पता। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे बाहर थे, उनको सब रिलेटिव्स ने फोर्स किया कि आप घर आ जाओ, मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करो, बट आई सेड नहीं। इतना विश्वास हो चुका था तब तक गुरु जी में कि मेरे को कुछ नहीं होना, बेटा जब मेरे को जरूरत होगी आई विल कॉल यू देन यू कम, अभी मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारी। मेरे अंकल थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, नहीं हेल्प कर पाए, रिलेटिव्स बच्चे यहाँ थे नहीं, रिलेटिव्स भी नहीं थे कोई ऐसे खास जो मेरी हेल्प करते, वो भी बात गुरु जी की सही निकली, ना कार्यालय काम आना ना बच्चियां काम आना, गुरु दी संगत ने काम आना। सो गुरु जी की संगत थी जो मेरे साथ, कीमोथेरेपी के लिए भी जाती थी हॉस्पिटल में, मेरे को पूरा सपोर्ट करती थी। सो गुरु जी का बहुत शुक्राना कि इतनी प्यारी संगत दे रखी है, दे अपने भाई बहनों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद फिर मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई, कीमोथेरेपी 3 महीने की कीमोथेरेपी होने के बाद मेरा पेट स्कैन हुआ। जब पेट स्कैन हुआ संगत जी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि प्लीज आप कपड़े चेंज मत करिएगा। तो मेरे को बहुत भूख लगी थी, तो डॉक्टर्स ने, संगत में से एक आंटी हैं, शी इज जस्ट, आप मेरे रिलेटिव हैं वैसे तो लेकिन संगत की हैं, लेकिन शी इज जस्ट लाइक माई यंगर सिस्टर नाउ। उन्होंने पूछा कि मैं कुछ खिलवाड़ खिल कुछ खाने के लिए मंगा दीजिए डॉक्टर साहब। तो उन्होंने बोला आप कैंटीन जाके खाइए। हम जैसे ही कैंटीन पहुंचे वहां भी गुरुजी ने पूरा ध्यान रखा। आई वॉज नॉट सपोज टू ईट चटनीज एंड अचार्स, ये कच्ची चीजें लाइक सैलेड्स कुछ भी। डॉक्टर्स कहते थे कि कुछ भी खाना है तो उसको 10 सेकेंड्स माइक्रोवेव करके खाना है, उसके जर्म्स नहीं होने चाहिए उसके ऊपर, कीमोथेरेपी में वो नुकसान देते हैं। हम जैसे ही कैंटीन पहुंचे तो मैंने उसको बोला कुछ भी सैंडविच वगैरह मत लाना जिसमें कच्चे सैलेड्स होते हैं, यू ब्रिंग एनीथिंग फ्राइड ले आना पर कुछ कुक्ड लाना वेल। तो संगत जी लंच टाइम था, 12-1 बजे का टाइम था, एक समोसे की ट्रे आती है कैंटीन में, एंड वो कैंटीन वाला भी हैरान हो जाता है, कहता ये कोई समोसे का टाइम है, तू इस वक्त समोसा ले आया। तो उसके बाद वो मीनू आंटी जो है वो मेरे लिए समोसा और चाय लेकर आती है, एंड वो मंडे का दिन था और हम दोनों हंसते हैं। उसने बोला क्यों हंसे आप, मैंने कहा गुरुजी ने इधर भी साथ नहीं छोड़ा, गुरुजी ने कह ले मंडे का दिन है समोसा ते चाय प्रसाद लो। तो हमने वो खाया, उसके बाद हम दोबारा गए, डॉक्टर्स ने दोबारा मेरे को मशीन में डाला, पेट स्कैन हुआ एक परी और, एक और टीम डॉक्टर्स की आ गई एंड दे वर डिस्कसिंग, और हम लोग घबरा गए कि क्या हुआ, हमें ऐसे लगा, हम लोग इंसान है ना, हम नेगेटिव सोचते हैं, हमने सोचा शायद कुछ ऐसी चीज हो गई है कि आप डॉक्टर्स इतने घबरा रहे हैं, टीम पे टीम आ रही है डिस्कस हो रहे हैं कि क्या हो गया। तो हमने पूछा डॉक्टर से कि बेटा बताइए क्या हो गया, तो हम अंदर चले गए, तो उन्होंने डांटा भी कि आप अंदर कैसे आए हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एनीवे फिर उन्होंने समझाया, कहते हैं जो 3 महीने पहले फोर्थ स्टेज कैंसर था और पूरी बॉडी में फैल चुका था, उसका एक भी मेलिग्नेंट दिख नहीं रहा, कुछ नहीं है आपकी बॉडी में, आपको कैंसर हुआ कब था और क्या था, कहाँ गया वो कैंसर। सो डॉक्टर्स वर शॉक टू सी माई रिपोर्ट्स, एंड संगत जी मैं हर कीमो के बाद गुरु जी के मंदिर जाती थी, बड़ा मंदिर, वहां लंगर खा के आती थी, जो जो चीजें मुझे मना थी मैं वो भी खाती थी, क्योंकि वो गुरु जी का अमृत प्रसाद था। बस उस प्रसाद से आई बिलीव गुरु जी ने मेरा इलाज करा और 3 महीने में मेरे को बिल्कुल कैंसर का नामो निशान मिटा दिया। सो ये है हमारे गुरु जी, गुरु जी हैं तो हर कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। सो शुक्राना गुरु जी का। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि हम यहाँ हम नहीं मानते हैं इन चीजों को, वी हैव टू फिनिश द कोर्स, इसका भी कोर्स होता है जैसे हर दवाई का कोर्स होता है, एंटीबायोटिक्स का होता है। सो आफ्टर 1 month ऑफ गैप, क्योंकि कीमोथेरेपी में ब्लड थिनर्स होते हैं तो उसके बाद एकदम वो लोग आपकी बॉडी को कट नहीं लगा सकते हैं, सो 1 महीने का गैप देना पड़ता है। तो 1 महीने के गैप के बाद उन्होंने मेरा सर्जरी करी,
मेरी यूट्रस निकाली, ओवरीज निकाली एज इट वॉज एन ओवेरियन कैंसर, एंड फैटी लेयर्स ऑफ माई लार्ज इंटेस्टाइन्स एज दे टोल्ड मी कि हमने रिमूव करी है, कि कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई उसका सेल छुपा ना हो कैंसर। तो उसके बाद माई लास्ट कीमो वॉज जुलाई 2013। उसके बाद मेरे पेट स्कैंस होते रहे, पहले तो क्वार्टरली होते थे, चेकअप करते थे, क्योंकि 99% मुझे भी डॉक्टर ने कहा था कि ये री ऑकर होता है, दोबारा होता है कैंसर, बट गुरुजी है ना तो सब कुछ है। कुछ भी पॉसिबल है, गुरुजी के होते भी कुछ नहीं होगा संगत जी, गुरुजी को मानिए बस, गुरुजी कुछ भी नहीं होने देते हैं। उसके बाद मेरे 6 मंथली हुए, फिर ईयरली होने शुरू हुए, फिर 1.5 साल में एक बार ही हुए। तो अब मेरा लास्ट पेट स्कैन 2018 जनवरी में हुआ था, और मुझे गुरुजी की कृपा से डॉक्टर ने बोला है कि आप मेरे को पेट स्कैन कराने की कोई जरूरत नहीं उसके बाद। सो अकॉर्डिंग टू देम आई एम एज गुड एज एन नॉर्मल पर्सन, इफ आई नीड एनी मेडिकेशन तो मुझको किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाना है, अब आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ऐसे डॉक्टर्स ने कहा मुझे। सो शुक्राना गुरु जी का मेरे को कैंसर से मुक्त कराने के लिए। गुरु जी ऐसे ही जिन जिनको प्रॉब्लम है सबको की प्रॉब्लम्स क्लियर करें, सबको ठीक करें। सो गुरु जी का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। अब मैं एक दो और, अगर आंटी टाइम हो तो करूं शेयर। आंटी बहुत टाइम है, आप सत्संग शेयर करो, हम तो भूखे हैं, हमें तो हमारी तो झोली अभी 1/4 भी नहीं भरी, आप सत्संग शेयर करो, वी हैव एम्पल बट टाइम। मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि बस टोटल सरेंडर। फॉर मी व्हाट सरेंडर मींस, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। हमने गुरुजी को, गुरुजी ने हमको गिफ्ट दी या मैंने आपको गिफ्ट दी, तो वो आपकी होगी, मेरी तो रही नहीं ना। सो आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट नाउ, वो तो दे दी मैंने। इसी तरह हमने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया, तो हम अपने तो रहे ही नहीं, हम तो गुरुजी को दे दिया। सो आप गुरुजी को सरेंडर कर दो और छोड़ दो उनके ऊपर, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, गुरुजी आप पे सोचेंगे क्या करना है, जो हमारे लिए अच्छा है वही करेंगे। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, और जो करते हैं, जो करेंगे अच्छा करेंगे। सो वी डोंट हैव टू थिंक आफ्टर दैट, आफ्टर सरेंडरिंग। सो सरेंडरिंग टू गुरुजी, गुरुजी को सरेंडर कर दो, उसके बाद फिर देखो नजारे। हर प्रॉब्लम पहले हेल्थ देंगे, फिर हर चीज से बाहर निकालेंगे। सबसे पहले गुरुजी कहते थे मैं आपको हेल्थ देता हूँ, फिर उसके बाद, पर ये भी कहते थे सारे लोग अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके आ जाते हैं। हाँ लोग जाते थे गुरुजी के पास, इसीलिए जाते थे कि गुरुजी हमारे पास बच्चा नहीं है, गुरुजी ये नहीं है। गुरुजी एक दो बारी ये भी सुना है कि गुरुजी ने एक को कहा आंटी कभी सोचा बच्चेदानी नहीं है, और मैंने बच्चा दे दिया इसको। तो गुरुजी ऐसे बहुत बहुत कुछ दिखाते थे, मैं चमत्कार तो नहीं कहूंगी, गुरुजी बहुत बहुत कल्याण करते थे। मैं कहूंगी गुरुजी वॉज नेवर अ चमत्कारी बाबा। गुरुजी हमारे तो महाशिव है, और गुरुजी कल्याण करते हैं। एंड एक बारी मेरे अंकल, जैसे मैंने बोला अंकल बीमार रहते हैं बहुत, तो अंकल को पहले तो हार्ट अटैक आया, 2006 तक वो चलते रहे। उसके बाद 2006 में पहली एंजियोप्लास्टी हुई, फिर 2-3 साल बाद फिर एंजियोप्लास्टी हुई, ऐसे करके 2-3 एंजियोप्लास्टी हुई। उसके बाद फिर 2000 एंजियोप्लास्टी के बाद 2016 में उनकी बेलूनिंग हुई, बिकॉज वो एंजियोप्लास्टीज भी काम करनी बंद हो गई, तो डॉक्टर्स ने बेलूनिंग करके उनको रिटेन करना चाहा। उसके बाद फिर 2017 में वो बेलूनिंग भी काम नहीं करी, एंड देन उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कोरोना पीरियड में, इट वाज मार्च 2020, आई नो द डेट आल्सो, 18 मार्च 2020 की बात है, मेरे अंकल की बहुत तबीयत खराब हो गई। उनका हार्ट 25% वर्क करता है, एंड उनको पानी पीना अलाउड नहीं है, लंग्स में पानी भर जाता है, और फिर जब लंग्स में पानी भर जाता है तो उनको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस नहीं ली जाती है, एंड ही बिकम्स वेरी
बहुत ज्यादा उनको ना घबराहट होनी शुरू हो जाती है और तबीयत बहुत खराब हो जाती है. एंड देन सो मेनी टाइम्स आपने सुना होगा कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा, किसी को मेडिकल एड नहीं मिली, किसी को कुछ नहीं मिली, पर हम हर बार जाते हैं अंकल को इतनी बुरी हालत में लेके. गुरु जी 2-3 दिन वहां हॉस्पिटलाइज कराते हैं और फिर वापिस आ जाते हैं लेके. तो ये गुरु जी की कृपा है, तभी ना बिना दुआ के दवा भी नहीं लगती संगत जी. दुआ गुरु जी की, गुरु जी की ब्लेसिंग्स. और डॉक्टर गुरु जी कहते हैं डॉक्टर अपना काम करन दो, मैं अपना करता हूँ. सो 18 तारीख को अंकल को ऐसी ब्रेथलेसनेस हुई, बहुत तबीयत खराब हो गई. आई स्टार्टेड रिंगिंग एम्बुलेंस, तो अंकल सेड कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, एम्बुलेंस तक तो मैं नहीं रुक सकता, एम्बुलेंस जब तक तुम फोन करोगी वो आएगी मुझे लेके जाएगी, तो आई डोंट थिंक आई विल बी देयर. सो नो ऑप्शन, मैंने सामने मेरे घर के सामने एक स्कूल है, वहां से स्कूल का स्टाफ बुलवाया, गाड़ी निकाली अपनी, गाड़ी के पीछे अंकल को डाला. एंड हमारे घर से मेदांता अराउंड 7, उन दिनों रश भी नहीं था, रात के टाइम, शाम का टाइम था, और मैं उनको हॉस्पिटल ले गई. जैसे लेके गई डॉक्टर्स ने उनको वेंटिलेटर पे डाला और बोल दिया कि बहुत तबीयत खराब है, कुछ नहीं है, मतलब जवाब दे दिया एक तरह का मैंने. लेकिन जाने से पहले मैं गुरु जी की ये जो मेरे साथ पीछे फोटो लगी है मैं इनसे बातें करती हूँ. मैंने कहा गुरु जी देख लो, फ्लाइट्स उस वक्त बंद हो रही थी, हो गई थी शायद कुछ कंट्रीज की ड्यू टू कोरोना, फ्लाइट्स बंद हो गई थी. तो मैंने कहा देखो फ्लाइटा बंद हो गई है ना, बच्चे आ नहीं सकते, मैं अकेली हूँ, आपने जो करना है आप करो, मैं ये नहीं कहूंगी कि लाइफ दो या कुछ करो, पर तुसी देख लो गुरु जी, मैं यू नो आई फील स्कैर्ड फॉर अकेले होने के कारण, मुझे डर लगता, तो हूं तुसी देख लो. और मैं बस इतना कह के गई थी गुरु जी को. अब वहां गई तो उन्होंने अंकल के मुंह में कुछ पाइप्स डाल दी, इट वाज वेरी हॉरिफाइंग सीन, और वेंटिलेटर पे डाला, जवाब दे दिया मेरे को. बट मैं तो उनको छोड़ के घर आ गई. मैंने कहा देखो इट्स ऑलरेडी मिडनाइट, मैं यहाँ बैठूंगी तो उनको देख नहीं सकेगा कोई, आपको जब चाहिए मेरे को फोन करना, मैं 10 मिनट में यहाँ होंगी, लेकिन आई कांट सिट हेयर ऑन अ बेंच. कोरोना के कारण उन्होंने बेंचेस भी उठा दिए थे कि बेंच पे सब साथ साथ बैठेंगे तो कोरोना हो जाएगा. आई सेड आई कांट स्टैंड होल नाइट हेयर क्योंकि मैं नहीं, मैं बीमार हो जाऊं. सो मैं ये कह के उन्होंने जहां जहां साइन कराने थे करा लिए, मैं वापस घर आ गई. एज ही वॉज इन आईसीयू आई वॉज नो एंड ऑन वेंटिलेटर, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो इन साइड. मैं बाहर खिड़की से मुझे देखने देते थे वो, दूर से मैं उनको देख के आ जाती थी. तो फर्स्ट डे गई देख के आ गई, अंकल वॉज इन वेंटिलेटर, कोई होश नहीं थी. दूसरे दिन गई कोई होश नहीं थी, तीसरे दिन भी, अब क्या कर सकते हैं, वेंटिलेटर पे हैं तो हैं. लेकिन गुरु जी इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पॉजिटिविटी देते हैं ना संगत जी, कि बिल्कुल वो घबराने वाली कंडीशन में नहीं लाने देते. अगर हम घबरा जाएंगे और गुरु जी का साथ है ना, तो गुरु जी आप पे देखेंगे. फोर्थ डे व्हेन आई वेंट देयर, माय अंकल वाज सिटिंग, चाय का कप हाथ में था और नर्सिस के साथ बातें कर रहे थे. एंड आई वाज शॉक्ड टू सी हिम. मैंने कहा जय गुरु जी. जब मैं अंदर गई मैंने कहा, कहते हैं आपके हस्बैंड ने रिस्पॉन्ड बॉडी करनी रात को स्टार्ट कर दी थी, अभी वो बेटर है, और हम इनको ना एक और यूनिट है आईसीयू से एचडीयू, हाई डेंसिटी कोई एरिया होता है, वो वहां पे हम इनको सामने थोड़ी देर के लिए एग्जामिन करेंगे, फिर विल शिफ्ट इन टू द रूम. तो एनीवे मैं 18 को गई थी लेके, और 24 को इनको दो थोड़े दिन रख के उन्होंने छुट्टी दे कि हम रूम्स खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, बेड चाहिए कोरोना के लिए, कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, खाली कर. सो वी केम बैक होम ऑन 23. संगत जी 24 के बाद 29 को अगेन माय अंकल हैड अ सिवियर पैरालिटिक अटैक. अब पैरालिटिक अटैक हुआ, आई कुडंट टेक हिम, हाथ पैर अकड़ गए थे, आई हैड टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस. एम्बुलेंस बुलाई, डाला, लेके गए हॉस्पिटल. बस वही गुरु जी, मैं कि गुरु जी की कर दे पे मैं कर लिया. उसके बाद गुरु जी ने हॉस्पिटल जाते जाते अंकल के हाथ पैर अकड़े हुए सीधे हो गए, और 2-4 दिन उन्होंने फिर रखा,
और बोलते हैं जी खाली करो बेड, खाली करो, घर लेके जाओ. देन आई टोल्ड दोज डॉक्टर्स, आई सेड नो आई एम नॉट टेकिंग हिम, व्हाट इफ थर्ड अटैक कम्स. तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, ही विल नॉट एग्जिस्ट. सो आई सेड हाउ कैन यू, यू आर बीइंग सो इनह्यूमन, तो आप इनको क्यों कह रहे हो हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए. तो देन दे डिसाइडेड के, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप इनका जो ट्रीटमेंट करना है करो, पर मैं नहीं लेके जा रही घर इस साथ. सो उन्होंने फिर इनको एक पेसमेकर डाला. वो गुरुजी ने पेसमेकर ऐसा डलवाया कि अभी 20 से लेके अब तक अंकल काफी बेटर हो गए हैं. सो अगेन गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी किस किस उसमें से निकालते हैं. अब आफ्टर एवरी 2 months, 6 months, देन अगेन आफ्टर 2-3 months, आई हैड बीन टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल. यही वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है वहां. वो आईसीयू में कितने दिन रहते हैं, फिर कमरे में शिफ्ट होते हैं और वापस आ जाते हैं. फिर एक दिन मैंने कहा, मैं क्या गुरुजी बहुत हो गया हूँ, उन अस्पताल है तो चक्कर खत्म करो, मैं बहुत थक गई हूँ, अकेली कोई भी नहीं सपोर्ट होती. कोरोना में नो बडी केम टू मी. सब ऐसे फोन उठाते थे और कहते थे हेलो कैसे हैं तलुजा साहब, ओके 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 बाय, यू नो बाय, क्योंकि उनको लगता था ये कुछ हेल्प ना मांग ले, ये कहना दे कुछ पहुंचा दो और हम हॉस्पिटल जाएंगे तो शायद हमें कोरोना पकड़ लेगा. क्योंकि उन दिनों कोरोना वॉज वेरी, मतलब एक हवा बना हुआ था. आजकल लोग थोड़े यूज टू हो गए. इट वॉज अ हॉरीफाइंग थिंग दैट टाइम, जब शुरू में इनिशियली 2020 में कोरोना आया. सो एनीवे, बट माई गुरु जी वॉज देयर 24/7 स्टैंडिंग बिसाइड मी, पूरी स्ट्रेंथ, पूरी हेल्प करने के लिए और इतनी पॉजिटिविटी देने के लिए. सो शुक्राना गुरु जी का. एंड उसके बाद फिर उनको घर लेके आई मैं. और अभी कुछ दिन पहले, कोई 2 बारी हो चुके हैं ये एपिसोड्स, अंकल इंसुलिन लेते हैं. तो अंकल ने इंसुलिन लगाई और प्रॉपरली कुछ खाया नहीं. फिर दोपहर को इंजेक्शन लगा लिया, फिर नहीं कुछ खाया प्रॉपरली. मैं बोलती थी खाना खा लो, नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं है. एंड आई डिडंट नो कि ही वाज टेकिंग इंसुलिन. वो लगा रहे थे और खा नहीं रहे थे. तो शाम का टाइम हुआ ना, तो उनकी जबान लड़खड़ा गई, बोलनी बंद हो गई. ही वॉज अनकॉन्शियस, ही शाउटेड एट मी कि अलका अलका मुंह टेढ़ा हो गया. मैं कही उनका क्या हुआ, मेरे को भूख लगी है, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना ऐसे. सो आई वॉज वॉन्डरिंग कि ये क्या हो गया इनको, ये क्या कर रहे हैं. मैंने सोचा ये भूखे हैं, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, तो चलो इनको इनकी शुगर लो ना होगी. और मैंने ऐसे सोचा, जो जो घर में था, ग्लूकोज था, जो भी सामान था, मैंने वो इनको पिलाया और उसके बाद खाना भी खिलाया. ही कुड, उनके हाथ नहीं चल रहे थे. ही वॉज, बाद में मेरे को जब जो मैंने कंडीशन बताई तो उन्होंने बताया ही वॉज ऑलमोस्ट इन कोमा. मैंने उनको खाना की रोटी खिलाई, उसके बाद होश नहीं थी बिल्कुल भी. और माय अंकल डजंट नो मेरे घर में कहाँ चम्मच है, कहाँ कटोरी है, चीनी है, चावल है, क्या है. ही नोस, ही जीरो अबाउट दैट. उनको कुछ नहीं पता, एवरीथिंग उनको वहीं पे मिलती है. तो वो कुछ नहीं उठ के अपने आप लेते, और उनको मालूम भी नहीं घर में क्या है क्या है. उनके बेड साइड में ऐसी गुरुजी की फोटो लगी हुई है. मैं ऐसे करके कह रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी हम एक ही करते पे हो, एक ही होंगे पे है, ये क्या क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूं बताओ, मैं तंग आ गई बहुत. इतनी देर में संगत जी मेरे अंकल बेहोशी में जीभ लड़खड़ा रही है, ऐसे छोटे बच्चों की तरह बोल रहे हैं, बिल्कुल बेहोशी में कह रहे हैं रो अफसर. मैंने बोला कि ये रू अफसा आए, मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं था कि घर में कहीं रू अफसा पड़ी हुई है, मैं कभी लाई भी नहीं हूँ, कोई बॉटल पुरानी पड़ी होगी कहाँ है, आई डिडंट नो. तो मुझे एकदम दिमाग में स्ट्राइक किया कि हाँ एक अलमारी में रू अफसा पड़ी. मैंने वो, ही वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम ग्लास ऑल्सो, ये हाल था, मुंह एकदम टेढ़ा हो गया था. उन्होंने, मैंने वो सिपर पड़े हुए, वो 2 सिपर्स में पानी भर के, और मैंने वो खूब सारी रूह अफ़ज़ा डाल के 2 ड्रिंक्स बनाई और मैंने ऐसे टेढ़ा करके मुंह में उनके 2 पिला दिए. वो अब पिलाने के 5-7 मिनट के बाद, मैंने वो खाना खिलाने के बाद उनकी शुगर चेक करी, शुगर भी चेक करी, बीपी भी चेक करा. बिकॉज अब गुरुजी ने वो सब सिखा दिया कि इनको क्या क्या ट्रीटमेंट चाहिए घर में, वो मैं घर में ट्रीटमेंट देके देन आई टेक हिम टू द हॉस्पिटल. तो वो जो
पिलाने के बाद, वो तब 40 थी उनकी शुगर, इसका मतलब बिना उससे तो नील थी उनकी शुगर। 5-7 मिनट उन्होंने पिया वो रूह अफ़ज़ा और उठ के बैठ गए, और फिर 2-3 मिनट के बाद उठ के खुद टॉयलेट गए। तो गुरुजी ने क्या किल्ला है, एंड मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने क्या तू तंग आ गई से ना अस्पताल जाके, ले मैं कारी ठीक करता। तो ऐसे एक दो बारी एपिसोड्स हो चुके हैं, तो गुरुजी उन कहते ने कारी ठीक कर देना वहां, हॉस्पिटल्स भी नहीं ले जाता। तो ये है हमारे गुरुजी, बस गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, देन वेट वॉच एंड सी के गुरुजी क्या क्या करते हैं। एक बारी मेरे अंकल को ना गिंग्रीन हो गई थी, हम लोग कहीं घूमने गए तो अंकल के पैर में छाला हो गया, वो पस बहने लगी। तो हमको लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने तो देखते ही कहा कि तो गेंगरीन है, तो अंगूठे पे है, तो अंगूठा कटेगा, जितनी फैल चुकी है पैर में पूरा फैल जाएगा, तो इसका एक ही इलाज है, इम्प्यूट कर देना, काट के फेंक। हम अंकल अपना बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि हाय मेरा अंगूठा कट जाएगा, और अंगूठा से भी आगे पहुंच गया तो पैर कट जाएगा, तो मैं क्या करूंगा। तो अंकल भी गुरुजी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, अंकल ने कहा गुरुजी भाई एक कटना नहीं चाहिए था कुछ, इतना ही कहा अंकल ने कि ए ना कराना प्लीज। मैं गुरुजी को कहा कि अंदर मन ही मन में सोचा कि गुरुजी है कि होंदा पे है। इतनी देर में डॉक्टर ने हमको कहा कि मैम जरा इनका एक एक्सरे निकलवा लेंगी पैर का। मैंने कहा हाँ जी आई टू अंकल, क्योंकि वो थोड़ा पैरालिटिक भी हो चुके हैं उनको अटैक्स एक दो, तो वो चल नहीं पाते, तो पकड़ के ले जाना पड़ता है। आई टू केम एंड मैं उनके एक्सरे निकलवा के लाई। एक्सरे निकाल के ले आए, उसके बाद ऐसे देख के कहता है ये जरा ऑर्थोपेडिक सर्जन है उनके पास ले जाइएगा जरा। सो वी बोथ ऑफ अस वेंट टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने ऐसे करके एक्सरे देखा, और देख के वो डॉक्टर को फोन करके कहता है कि डॉक्टर साहब इनकी ना बोन गल गई है, पैर अंगूठे की बोन गली हुई है अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आप ना ये जनरली फुटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं वो जब किक करते हैं फुटबॉल खेलते हैं तो उनकी बोन टूट जाती है और गल जाती है कई बारी। तो व्हाट वी डू वी जस्ट पुट अ कट, हम एक छोटी सी सर्जरी करके वो बोन निकाल के फेंक देते हैं, तो आप भी एक ट्राई कर लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा देखिए ये कोई हड्डी टूटी नहीं है, गिंगरीन है। उसने कहा हाँ गिंगरीन है, पर एक्सरे तो बोन टूटी हुई दिखा रहा है, गली हुई पड़ी है। तो उन्होंने कहा फिर कहते हैं एक ट्राई मारने में कोई हर्ज नहीं है, आप एक ट्राई मारिए, सेकंड ऑप्शन ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, क्या आप इम्प्यूट कर सकते हो, एक ट्राई कर लो, नहीं होगा तो इम्प्यूट कर देना उसको। तो फिर डॉक्टर ने हमसे पूछा, तो हमने बोला ठीक है जैसे करना कर दीजिए। तो नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया, उन्होंने एक कट लगाया और अंकल की अंगूठे की बोन निकाल के गली फेंक दी। इस बात को 8-9 साल हो गए हैं संगत जी, अंकल का ना अंगूठा कटा ना पैर कटा। तो गुरुजी से विश्वास करके और श्रद्धा से गुरुजी को मानिए, तो गुरुजी कुछ भी करते हैं, हर अरदास भी सुनते हैं, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन, 1-to-1 करेक्ट कनेक्शन, गुरुजी से खुद अरदास करिए। एंड यही गुरुजी की वो है माया है, यही कृपा है। एंड गुरुजी प्यार मांगते हैं, भाव मांगते हैं, और गुरुजी कुछ नहीं मांगते हैं हमसे। एक गुरुजी का मंदिर है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, कोई नहीं आपको कोई कहेगा नहीं कि यहाँ इतने डालो यहाँ इतनी। यू गो टू अदर टेम्पल्स, आई हैव सीन सो मेनी टेम्पल्स, इवन तिलक लेने के लिए भी दे हैव टू टेक मनी एंड देन गिव यू, पर गुरुजी के उसमें तो हर चीज हम लोगों को फ्री मिलती है। एक वही दरबार देखा था, हमें बहुत अच्छा लगा था जब हम पहले भी गए थे, कि कोई कुछ मांगता नहीं है वहां, और सेवा भाव, गुरुजी ने हमेशा सेवा सिमरन के लिए कहा है। तो बस हमें गुरुजी की बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उन पे विश्वास रखना चाहिए, एंड फिर देखिए नजारे, गुरुजी हैं तो वही मैं कहना, गुरुजी हैं तो हर चीज पॉसिबल है, कुछ भी कर सकते हैं वो, कुछ भी कर सकते हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।